जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 31, 32, 33, 34, 35 पर चर्चा करेंगे। सर्वभूतास्थितं यो मां भजते त्वं स्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि योगी मयि वर्तते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जो व्यक्ति हर जीव में मुझे देखता है और यह समझता है कि हर जीव मुझ में स्थित है, वह सच्चे योग में स्थित होता है। ऐसा योगी चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता और मैं भी उससे कभी अलग नहीं होता। अर्थात जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि परमात्मा हर जीव के भीतर है और सभी जीव परमात्मा के अंश है, तब वह व्यक्ति सही मायनों में आध्यात्मिकता और योगों में स्थापित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न केवल भगवान को हर किसी में देखता है, बल्कि यह भी जानता है कि वह स्वयं भगवान से जुड़ा हुआ है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को अपने व्यवहार में करुणा, समानता और प्रेम की भावना रखने में मदद करता है। आत्मोपमेन परो सर्वत्र मम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मतुल्यता के आधार पर सभी जगह समान दृष्टि रखता है और दूसरों के सुख दुख को अपने जैसा ही अनुभव करता है, वही योगी मेरे अनुसार सर्वोत्तम है। अर्थात एक सच्चा योगी वह है जो अपने आप को हर प्राणी में देखता है और सभी के सुख और दुख को समझता है जैसे वह खुद अनुभव कर रहा है। इस प्रकार की दृष्टि से वह सभी जीवों के प्रति करुणा और समानता का भाव रखता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत लाभ या सुख की चिंता करता है, बल्कि दूसरों की खुशी और दुख में भी समान रूप से सहभागी होता है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जी हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने में अधिक दयालु और परोपकारी बनना चाहिए। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तत्त्वा प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एव स्याम न पश्यामि चंचला तव स्थितं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो ये साम्य भाव वाला योग बताया, मैं उसको स्थिर स्थिति में नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन तो बहुत चंचल है। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि उन्होंने जो ध्यान, योग और मन की स्थिरता का मार्ग बताया, वह उन्हें कठिन लगता है। अर्जुन का यह महसूस होता है कि उसका मन अत्यधिक चंचल और अशांत है। अर्जुन की यह शंका यह दर्शाती है कि मनुष्य के लिए अपने मन को नियंत्रित करना और एकाग्र बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें संदेश मिलता है, भले ही ध्यान और योग का मार्ग कठिन हो, लेकिन इसे अभ्यास और भगवान की कृपा से संभव बनाया जा सकता है। चंचलम ही मन कृष्णम परमाणु बलवत्म निगम हे कृष्ण, मन वास्तव में चंचल, अशांत, बलवान और अडिग है। इसे वश में करना जैसे वायु को रोकने के समान कठिन लगता है। अर्थात श्री कृष्ण का कहना है कि उनका मन अत्यंत चंचल और प्रचंड शक्ति वाला है। वे महसूस करते हैं कि मन के नियंत्रित करना एक अत्यंत कठिन कार्य है, जैसा कि वायु को रोकना कठिन होता है। अर्जुन की चिंता हर उस व्यक्ति की है जो ध्यान या योग के अभ्यास में मन की स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास करता है। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहु मनो तुनिर्ग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च ग्रहते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना निसंदेह बहुत कठिन है, क्योंकि यह चंचल और अस्थिर होता है, लेकिन इसे लगातार प्रयास और वैराग्य के माध्यम से वश में किया जा सकता है। यहाँ पर वैराग्य का अर्थ है किसी भी चीज के प्रति लगाव और इच्छाओं से मुक्त होना। जब व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं और सांसारिक इच्छाओं से अलग होता है, अर्थात मनुष्य के मन को नियंत्रित करना कठिन तो है पर असंभव नहीं, निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।